भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भाजपा पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी पार्टी के विधायकों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाजपा अपने ही बल पर एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, पर हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा न करती है और न ही करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि वह बड़ी हार का सामना करने वाले हैं, इसलिए वह जनता का ध्यान भटकाने का कार्य कर रहे हैं। कभी ईवीएम की बात करते हैं तो कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात। उन्होंने कहा कि जब से देश में ईवीएम के माध्यम से मतदान हो रहा है, तब से कांग्रेस के नेता हैं कि ईवीएम को दोष दे रहे हैं, पर वह तभी दोष देते हैं जब वह हारने की स्थिति में हो। ईवीएम में न तो कोई गड़बड़ी होती है और न हो सकती है। आरोप लगाने का क्या औचित्य है हमें पता नहीं। अभी तो मतगणना होनी है, चुनाव परिणाम आने हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। कभी हाउस ट्रेडिंग करना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। इसलिए कांग्रेस नेताओं को इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने प्रत्याशियों, अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है, तो उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जिन पर उन्हें विश्वास ही नहीं। ईवीएम के बाहर देखिए, ये उनका अधिकार है। वो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर अगर अपना पहरा लगाना चाहते हैं वो लगाएं, परंतु सब जानते हैं जब से ईवीएम आई है इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ होती नहीं है। ये कांग्रेस वाले अपनी हार के लिए पहले ही बहाना बनाने का प्रयास करते हैं। ईवीएम की बात करके मुझे लगता है जो उनकी संभावित हार होने वाली है उसके लिए उन्होंने बहाना तराशा है। अदरवाइज इस तरह की गतिविधि ईवीएम से छेड़छाड़ की ना कभी हुई है ना कभी होती है। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।